हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एसी पार्ट और डीसी पार्ट हम लोग कम्प्लीटली कर चुके थे। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं मैग्नेटिज्म का क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ओपन सरफेस क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ओपन सरफेस किसी भी ओपन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो कर सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो फाई इक्वल टू बी एस कॉस अल्फा। फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी एस कॉस अल्फा, वेयर बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको डिनोट कर रहा है, बी को, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही अल्फा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो द ओपन सरफेस की किसी भी ओपन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो कर सकता है, यानी कि पास कर सकता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू बी एस कॉस अल्फा, वेयर बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये था सबसे पहले पढ़े हम लोग। सेकंड पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज में कितना मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी वी साइन अल्फा। क्या हो गया, एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन अल्फा, वेयर वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज का वेलोसिटी भी डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ओपन सरफेस में कितना होगा, कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो पढ़े। दूसरा में पढ़े कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, कोई भी मूविंग चार्ज में कितना मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन अल्फा, वेयर वी इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग आज के लेसन से, हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म का टोटल फॉर्मूला। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तीसरा फॉर्मूला है मैग्नेटिज्म का क्या है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर रहेगा उसमें कितना फोर्स पास हो सकता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन अल्फा, वेयर आई इक्वल टू करंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, जिस वायर से करंट कैरिंग पास होगा, ठीक है, उस वायर का लेंथ क्या है, एल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, यदि सारे चीज आपको बी आई एल साइन अल्फा मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स पास हो सकता है। फोर्स तो देखेंगे हम लोग, फोर्स बिटवीन
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर क्या है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ I1 I2 by RL। फोर्स क्या है, चौथा हम लोग क्या पढ़े कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना फोर्स हो सकता है उसे कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ I1 × I2 × L / R। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए लूप, एक लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए लूप, एक लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है कैसे निकालेंगे, तो B इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ Ni। यहां पे आपको क्या जानना चाहिए, N क्या है, बस I तो आपको मालूम है करंट है, N मेरा क्या है, वेयर N, N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड कि मैं कोई भी लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ Ni, 4π × 10⁻⁷ ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू है, I क्या है करंट, N आपको पता होना चाहिए, N क्या है कि द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी का सेकेंड नाम है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है कि किस क्या पढ़े हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसका सेकेंड नाम क्या है, फैराडे लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल C इक्वल टू −N d∅ by dt। इंड्यूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, फैराडे लॉ, टोटल सी इक्वल टू −N d∅ by dt, वेयर वेयर एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर लूप। क्या पढ़े थे, इंड्यूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका सेकेंड नाम क्या है, फैराडे लॉ। तो यहाँ पे टोटल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, −N d∅ by dt, वेयर कैपिटल एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लूप, लेकिन यहाँ स्मॉल एन क्या होता था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। आगे देखते हैं इंडक्टेंस, आगे मेरा है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 5 बाय I, और इसका क्या यूनिट होता है, हेनरी, इंडक्टेंस का क्या यूनिट हो गया, हेनरी, और L इक्वल टू इंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, 5 बाय I। यहां से phi निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Li, यदि phi निकालना हो इस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा, Li, और इसका क्या यूनिट है, वेबर। तो इंडक्टेंस मेरा हो गया L इक्वल टू क्या था, 5 बाय I, इसका यूनिट हेनरी, और फाइ जिसे निकालना हो तो फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Li, इसका क्या यूनिट है, वेबर। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी,
इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी यू स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी यू स्क्वायर। यू क्या है, पोटेंशियल, सी क्या है आपको मालूम है सारे चीज। मैग्नेटिक एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी ये था इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी निकालना हो यानी कि डब्ल्यू एल क्या हो जाएगा, वन बाय टू यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, फाइनल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एल। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ सी क्यू नॉट स्क्वायर। ये हो गया मेरा दोनों के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा कि डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एल इक्वल टू जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ सी क्यू नॉट स्क्वायर। तो ये था मेरा मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको बनाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।